हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कोजी स्टडी। मैथ शॉर्ट ट्रिक्स में आज हम जो देखेंगे, ये जो आपको फ्रैक्शंस दी हैं, भिन्न दी हैं, 5/11, 2/7, 9/16 एंड 3/8, तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और उसके बगल में जो बेल आइकन होगा उसे भी हिट करें। अब अगर हम इसकी पहले अगर मैं इसका ट्रेडिशनल मेथड देखूं तो आप सब इस क्वेश्चन को कर लोगे, सब इस क्वेश्चन को कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में टाइम लगेगा और हमें हमारे पास एग्जाम में टाइम कम होता है। हमें ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स देखनी होती कि हम कम से कम समय में एक्यूरेसी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो अगर लॉन्ग मेथड से मैं करना चाहूं तो इसे हम क्या करेंगे, या तो इनके सबके हर समान करेंगे, इनके जो डिनोमिनेटर है उसे समान करेंगे, या फिर इसे दशमलव में चेंज करेंगे। इसको 5 को 11 से भाग करके, 2 को 7 करके, तो इतना टाइम नहीं होता, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको जस्ट सिंपली एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्टिंग की 2 फ्रैक्शन लेनी है, 5/11 एंड 2/7। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले के अंश से इसको मल्टीप्लाई करना है। 5/7 = 35 और सेकंड वाले के अंश से इसको मल्टीप्लाई करना है। 2/11 = 22। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 35 है ना, तो आपको ये 22 वाला कैंसिल आउट करना है। अब फिर से जो बड़ा है उसको लीजिए 5, और थर्ड नंबर वाली फ्रैक्शन 9/16। अब सेम फर्स्ट वाले के अंश से दूसरे वाले के हर को, तो 16 × 80 और दूसरे वाले के अंश से पहले वाले के हर को 11/9 = 99। अब कौन सा, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो जो छोटा है उसे फिर कैंसिल आउट कर लीजिए और जो बड़ा है उसे रखिए, तो फिर 9/16 आएगा। लास्ट पिन आपकी बची हुई है 3/8। सेम वही, पहले वाले का अंश और दूसरे का हर, 8/9 = 72 और इसके इससे इसको 3/16 = 48। तो बड़ा कौन सा है, 72। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी आपकी, 9/16। इन सब में आपकी जो बड़ी भिन्न होगी वो होगी ये। तो आप अभी मैंने इसे सॉल्व करा आपके सामने, तो इसलिए इसने क्वेश्चन ने टाइम लिया। अगर आप इसे खुद से करेंगे तो आप, मुझे लगता है 10 सेकंड, हार्डली 10 सेकंड में से इजीली सॉल्व कर सकते हैं।